देश में मंदिर भगवान का प्रतीक है। हमारे देश में मंदिरों को घूमने के लिए लोग बाहर बाहर से आते हैं। हम मंदिरों में भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन भारत का एक ऐसा मंदिर जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। जी हाँ, कहा जाता है कि इस मंदिर की मूर्तियां काफी अश्लील है। इस मंदिर की अगर आप मूर्तियां देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उन मंदिरों के बारे में जिनकी मूर्तियां देखने के बाद हर कोई दंग रह जाता है और लोग दूर दूर से मूर्तियां देखने आते हैं, लेकिन इस मंदिर में शायद कोई पूजा नहीं होती। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खजुराहो भारत देश के एक राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, जो अपने प्राचीन और अद्भुत कला शैली के मंदिरों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे आज हम खजुराहो के नाम से जानते हैं। उसे प्राचीन काल में इसे खाजुपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। मंदिरों के लिए फेमस ये शहर पूरे विश्व में मुड़े हुए पत्थरों से बने मंदिर, संभोग की विभिन्न कलाओं के आकृतियों के लिए भी फेमस है। यह बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन दोनों धर्म के मंदिर भी मिलते हैं। भारत देश के अलावा टूरिस्ट प्रेमी यहाँ देश विदेश से भी यहाँ की सुंदरता और अद्भुत कला शैली से प्रभावित होकर यहाँ साल भर आते रहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार खजुराहो का इतिहास लगभग 1000 साल से भी पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि ये शहर चंदेल वंश के संस्थापक राजा चंद्रवर्मन द्वारा बसाया गया था और उनकी प्रथम राजधानी भी था। बता दें, राजा चंद्रवर्मन बुंदेलखंड में शासन करने वाले गुज्जर राजा थे, जो अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच माना जाता है। मध्यकाल के दरबारी कवि चंदबरदास ने भी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासों में महोबा खंड के भाग में चंदेल वंश के जन्म का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है कि काशी के राज पंडित सूर्यनाथ की पुत्री हेमवती बहुत ही सुंदर और अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी थी। एक बार जब वो अपनी सखियों के साथ गर्मियों की रात में कमल पुष्पों से भरे हुए तालाब में स्नान कर रही थी, तब इंद्रदेव इन पर मोहित हो गए और मानव का रूप धारण करके धरती पर आ गए और हेमवती को हरण कर लिया। खराब भाग्य के चलते हेमवती गर्भवती हो गई और उन्होंने चंद्रदेव पर जिंदगी खराब करने का आरोप लगा दिया। अपनी गलती का ज्ञान होने पर इंद्रदेव ने हेमवती को वरदान दिया कि उसकी गर्भ से एक बहादुर पुत्र का जन्म होगा, जो राजा बनकर एक यज्ञ का आयोजन करेगा, जिससे आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, और हेमवती को खाजुपुरा जाने का आदेश दिया। हेमवती ने खाजुपुरा में चंद्रवर्मन नाम के बहादुर पुत्र को जन्म दिया, जिसने चंदेल वंश की स्थापना की और अपनी माता के आदेश पर तालाब बागों को अद्भुत मंदिरों का निर्माण करवाया और आगे चल के उनके उत्तराधिकारियों ने खाजुपुरा यानी खजुराहो में अनेकों भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि चंद्रवर्मन अपने पिता के सम्मान ही तेजस्वी और बहादुर थे। वो 16 साल की उम्र में ही बिना हथियार के शेर और बाघा जैसे जंगली जानवरों को अपने हाथों ही मार देते थे। हेमवती ने पुत्र की वीरता को देखकर चंद्रदेव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव ने चंद्रवर्मन को एक पारस पत्थर दिया, जिससे लोहे को भी सोने में बदला जा सकता था। इसके बाद चंद्रवर्मन ने कई युद्धों में शानदार विजय प्राप्त की और खजुराहो के मंदिरों के साथ कालीजर का विशाल किले का निर्माण भी करवाया। वहीं खजुराहो में मिलने वाले मंदिरों को देखने से पता चलता है कि यहाँ मुख्यतः दो धर्मों, हिंदू और जैन धर्मों के लोगों के लिए ही वहाँ मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जो इन धर्मों की परंपरा और इनके इतिहास को दर्शाता है। खजुराहो के स्मारकों का समूह चंदेल वंश में राजा चंद्रवर्मन के शासनकाल में बनाया गया था। इतिहासकारों के कहे अनुसार 12 शताब्दियों के आसपास खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जो कि लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे।
इन 25 मंदिरों में अब यहाँ केवल 20 ही मंदिर बचे हैं, जो लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। बचे हुए मंदिरों में यहाँ अब एक कंदरिया महादेव का मंदिर बना हुआ है, जो 1017 ईस्वी से 1029 ईस्वी के बीच में गंडा राजा के शासन काल में बनवाया गया था। कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत से ऐतिहासिक मूर्तियों के समूह से बना है। इन मूर्तियों पर उस समय के ऐतिहासिक में घटने वाली बहुत से घटनाओं की जानकारी का वर्णन किया गया है और ये मूर्तियां प्राचीन भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। राजा चंद्रवर्मन के बाद खजुराहो के बहुत से मंदिर राजा यशोवर्मन और दगा शासन काल में बनवाए गए थे। यशोवर्मन की कला शैली और महानता को हम लक्ष्मण मंदिर में देख सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार खजुराहो के मंदिर में बहुत से मंदिरों को 970 ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच में बनवाए गए थे। बता दें, पाश्चयन इतिहास रिहन अल बिरूनी ने भी अपनी पुस्तक में वर्णन किया है कि 1022 ईस्वी से महमूद गजनी ने कालिंजर के किले पर कई आक्रमण किए और खजुराहो को अपने राज्य जजहूती की राजधानी बनाया, मगर महमूद गजनी का आक्रमण असफल रहा क्योंकि हिंदू राजा ने खजुराहो को छोड़ने के लिए फिरौती के तौर पर बहुत अधिक धन प्रदान किया। 12वीं शताब्दी तक खजुराहो के मंदिरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मगर 13वीं शताब्दी के बाद दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण कर चंदेल साम्राज्य को छीन लिया और खजुराहो के मंदिरों में कई परिवर्तन हुए। इसके ठीक एक शताब्दी बाद मोरकन यात्री इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक में भी खजुराहो का कजरार नाम से वर्णन किया है। चलिए आपको बताते हैं ये मंदिर इतना ज्यादा फेमस क्यों है, क्यों लोग इस पर कई सवाल उठाते हैं। खजुराहो के मंदिर में बने काम सूत्र की मूर्तियों का रहस्य। खजुराहो के मंदिरों में अद्भुत कला शैली और सौंदर्य के साथ साथ कलात्मक कार्य भी किया गया है। इनमें से कुछ मंदिरों पर आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरफ 10% से 15% हिस्से पर काम सूत्र की कलाकृतियों को बनाया गया है। इनमें से कुछ मंदिरों में बाहर की तरफ लंबी लंबी दीवारें बनाई गई हैं, जिन पर भी छोटी छोटी काम सूत्र की कलाकृतियों को बनाया गया है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पुराने समय में यहाँ पर कामुकता की सभी कलाओं पर अध्ययन और अभ्यास किया जाता था। वहीं इतिहासकारों का ये भी मानना है कि काम सूत्र की कलाकृतियां भी हिंदू परंपरा का ही एक भाग है और ये मानव शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। और वहीं आपको बता दें, लोग दूर दूर से इन मूर्तियों को देखने ही आते हैं। कहा जाता है कि ये मूर्तियां अश्लीलता फैला रही हैं, लेकिन एक ये कलाकृतियां हैं। जी हाँ, खजुराहो का ये मंदिर बहुत ज्यादा प्रचलित है। यहाँ की मूर्तियां, कहा जाता है कि ये कलाकृतियां हैं, लेकिन एक सवाल बीच में लोग काफी उठाने लगे थे, आखिर ऐसी मूर्तियां और ऐसी कलाकृतियों को कोई बना भी कैसे सकता है, बल्कि आज आधुनिक काल है। जी हाँ, देश आगे बढ़ चुका है, समाज आगे बढ़ चुका है, आज भी लोग बहुत ज्यादा डेवलप है, लेकिन फिर भी इस तरह की मूर्तियां, वो भी पुराने समय में, ये वाकई काफी हैरानी कर देने वाला है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।